मैं हूं आपका दोस्त आपका होश आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 12 मई 2024 और यहां पे 13 मई 2024 बार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर लेकर आपके सामने मैं हाज़िर हूं दोस्तों वीडियो और एंसेस अगर पसंद आए ज़रूर फीडबैक करें कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल साथ आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर सकते वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते हैं और कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहां पे नहीं दे रहा हूँ इस बात को हमेशा याद रखें डिस्क्लेमर को पढ़ें समझें उसके बाद अगर आप मेरे इन स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम सलाह करके ही ट्रेड करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से और बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है हिसाब किताब आप देखिए यहां अब देखिए बैंक निफ्टी ने हाई लगाया उनचास उनचास हजार दो सो बावन मैंने ये वीकली चार्ट अभी आप देख रहे हैं ठीक है और वीकली चार्ट में हाई है उनचास हजार दो सौ बावन का लो है सैतालीस हजार तीन सौ तेरह का तो देखिये उनचास हजार दो सौ बावन से तीन सौ तेरा लगभग लगभग आप देखें तो दो हजार प्वाइंट के आसपास है ना दो हजार पॉइंट के आसपास ये माइनस हो चुका है है कि नहीं अब इसी को जगह 2000 पॉइंट में माइनस हो गया तो ये तो बड़ी बात है गड़बड़ वाली बात है आप अगर डेली का चार्ट देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक रिकवरी मिल सकता है और ये रिकवरी गया भी था लेकिन ऊपरी भाव पर जहां पर सेलिंग का लेवल दिया था कि सैतालीस आठ सौ से सैतालीस नौ सौ के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां से सेल भी करना चाहिए तो एक्जेक्ट सैतालीस आठ सौ अड़सठ का हाई लगाया और वहीं से फिर रिजेक्शन भी बना और जबरदस्त तरीके से फॉल यानी कि ऊपरी स्तरों पर बजा टिक नहीं रहा है इसके बारे में भी मैंने कल एक वीडियो बना के दिया था मैजिकल इंडिकेटर आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए है ना तो यहाँ वो ऊपर में टिक नहीं रहा इसका मतलब रिकवरी तो आया लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है अब नीचे का एक लो भाग बना लिया सैतालीस तीन सौ तेरह देखिये अगर राउंड नंबर की बात पकड़ के चले तो मैं आपको बताऊँ की सैतालीस हजार एक अच्छा सपोर्ट एरिया है लेकिन आपको छियालीस नौ सौ से छियालीस आठ सौ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा सोमवार को या नहीं प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर ये सैंतालीस के नीचे निकल गया तो फिर आपको ये दो सौ पॉइंट का फॉल करा सकता है और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना इस कैंडल का आपको लो पकड़ना चाहिए जो कि 19 अप्रैल का इसका लो आता है छियालीस के आसपास में तो यहाँ पर आपको एक मेंटली प्रिपरेशन तैयारी रखना चाहिए कि इस एरिया के आसपास में यानी कि छियालीस छः से 700 सौ छियालीस छः से सात सौ छियालीस पाँच ये सब एरिया पर आता है तो यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए थोड़ा सा इलेक्शन को भी लेके कंफ्यूजन है कंफ्यूजन है तो क्लियर कि भाई चलो जो प्रेजेंट सरकार है वही आएगा लेकिन कितने अंतर से आएगा ये डिफरेंस पैदा कर जाता है यहाँ पे भी तो सर ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अमेरिका ठीक है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है रुक रहा है यहाँ इसलिए नहीं रुक रहा है वही अभी हमारा एक बड़ा इवेंट चल रहा है, है ना इस वजह से तो चलिए अभी हम वो सब दरकिनार करके इसका इंटरडे के लेवल को देखते हैं सोमवार के लिए और वो क्या आ रहा है सोमवार के लिए लेवल ये सारे देखें किस तरह से ये फॉल है ऊपर से आप जरा ध्यान से देखें सबसे पहले आप इसका डेली का ही चार्ट को फिर से वापस आता हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया वो मेंशन कर देता हूँ देखिए डेली के चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन को नीचे से यहाँ से आप ड्रॉ करें अक्टूबर 2023 से और इसको इस तरह से अगर आप ड्रॉ करते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इसी ट्रेन लाइन पर सहारे में ऊपर चला जा रहा है ना इसी ट्रेन लाइन जो अक्टूबर 2023 में बना था इसी ट्रेन लाइन के सहारे ये अभी तक में था अब इसी ट्रेन लाइन के आसपास में ये आ भी रहा है तो इसका मतलब है कि या तो इस ट्रेन लाइन को टच करके ये बाउंस करेगा एक कंडीशन ये बन सकता है और ये अगर टच कर जाता है तो एक सपोर्ट एरिया बनना चाहिए सैतालीस हजार के आसपास का देखिए बड़ा लेवल है सैतालीस हजार दो सौ लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया सैतालीस हजार दो सो को तो ये आ जाएगा छियालीस छह सौ उसके बाद जो है और खराब होकर छियालीस हजार तक भी गिरने के चांस बना सकता है तो इस ट्रेंड लाइन का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पर और इस ट्रेंड लाइन को देखने से ये पता चल गया कि सैतालीस हजार दो सौ का एक लेवल आ रहा है जहाँ पर ये आ सकता है ठीक है हालांकि तीन सौ का इसने लो लगाया है फ्राइडे को ही तो लगभग लगभग अपना वो लेवल को क्लेम कर ही लिया लेकिन अब कब बाउंस करेगा ये नहीं पता चलिए अभी हम लोग लेवल देख लेते हैं और लेवल अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे पंद्रह मिनट के चार्ट पर इसको ऐसे करके आप ड्रॉ कर लीजिए देखिए अब जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है लेकिन ये स्पेस छूट रहा है तो हम स्प्रे जब छूट रहे हैं तो हम विक्स को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो सस्टेन नहीं किया ना तो विक्स इग्नोर हो जाता है बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं अब ये चीजें आप देखिए तो यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह से ये एक बड़ी सी रेड कैंडल है यहाँ वाली और उसी के बराबर बराबर देखिए यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन ले लिया तो इसका अंदर ये प्राइस सैतालीस हजार छह सौ का आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना सैतालीस हजार छह सौ का इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर जाएगा तो समझिए एक तेजी आपको बन सकता है लेकिन क्लोज कहां कर रहे हैं सैतालीस चार सौ तेरा सैतालीस चार सौ तेरह डेली के चार्ट सैतालीस चार सौ इक्कीस पर, पर क्लोज हो रहा है अब आप सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ कि सैतालीस छह सौ के ऊपर जाने के बाद ही बाय करना है क्या मोमेंट बनता है लेकिन अब कोई भी बोलेगा यार सैतालीस छह सौ पे बोलते हो तो अभी से दो सौ पॉइंट ऊपर कौन बाय करेगा तो भाई यहाँ पर एक है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो रिस्क ले सकते हैं आप सैंतालीस पाँच सौ के राउंड नंबर के ऊपर इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो पहला टारगेट आपका सैंतालीस छः सौ का ही बनता है ये आपका एक टारगेट बनेगा सैंतालीस छः सौ के ऊपर अगर टिका निकला तो फिर ये वाला जो लेवल है ये भाग ये आपको एक टारगेट की तरफ में देखना पड़ेगा जिसका भाव आता है सैंतालीस आठ सौ जो कि फ्राइडे का लगभग हाई के आसपास में सैतालीस आठ सौ आठ सौ पचास ठीक है तो इस एरिया को फिर आपको टारगेट पकड़ के चलना पड़ेगा सैंतालीस आठ सौ तक का क्योंकि इसी के आसपास पहुंचने के बाद हम लोग फ्राइडे को गिर गए थे तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर ये नहीं बुक करते हैं तो फिर आपकी मर्जी हाँ अगर इसके ऊपर ये टिकने में कामयाब हो जाता है तो लास्ट और फाइनल टारगेट मेरा फिर अड़तालीस हजार का ही होगा

इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो कि हम लो के नीचे बेचेंगे थोड़ा तो सेफ रहता है लो के नीचे बेचना थोड़ा तो सेफ रहता है तो सैतालीस चार सौ इक्कीस पे ट्रेड हो रहा है लो लगाया सैतालीस तीन सौ के आसपास का तीन सौ तेरह का लो लगाया था बिल्कुल तीन सौ बीस तो हम सेल करेंगे सैतालीस हजार तीन सौ के बिलो इसके नीचे निकलेगा ना तभी सेल करेंगे सेल इसके नीचे होगा और इस कंडीशन से टारगेट आ जाएगा सैंतालीस हजार दो सौ अब देखिए जैसे ही सैंतालीस हजार दो सौ आ रहा है तो आपको याद आया वो बड़ा वाला मैंने एक ट्रेंड लाइन अभी दिखाया था डेली के चार्ट पे उस ट्रेंड लाइन का पे टच कर जाएगा वहां से अगर बाउंस किया तो वेल एंड गुड बहुत अच्छा और नहीं बाउंस किया इसके नीचे सस्टेन करने लगा तो फिर फाइनल टारगेट सैतालीस हजार से लेके छियालीस नौ सौ और छियालीस आठ सौ तक के लेवल बन सकते हैं लेकिन चांस है कि सैतालीस दो सौ एक सौ पचास इसके आसपास पास आते के बाद ये बाउंस कर सकता है ठीक है नहीं बाउंस किया तो फिर छियालीस आठ सौ पकड़ के चलिए पुट ऑप्शन ये ध्यान रखिए और सैतालीस हजार तीन सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स नीचे आने पर पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बात है इसका भी गैप अप और गैप डाउन होने पर ही अभी देखिए ट्रेड बनता है गैप अप भी खुलता है तो सस्टेन नहीं करता है नीचे आता है रीजन ऊपर राइटर ज्यादा बैठे कॉल राइटर इनकी रेजिस्टेंस हैवी है चार्ट पे भी दिख रहा है और डेटा में भी दिख रहा है तो अभी हम लोग डेटा पे भी चलते हैं ऑप्शन डेटा पे अब एट द मनी सैतालीस चार सौ पर टिके हुए हैं तो सैतालीस चार सौ का बात है तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या डेटा निकल गया है सैतालीस चार सौ पे अगर पुट राइटर देखते हैं पुट मतलब सपोर्ट हो गया सैतालीस चार सौ पे पुट राइटर लगभग छह लाख है कॉल राइटर लगभग पांच लाख है तो मेक और ब्रेक लेवल है इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकता है देखिए बड़ा रजिस्टेंस एरिया आपको हर लेवल सौ सौ पॉइंट पर रजिस्टेंस तो बन रहा है लेकिन अगर ये सैतालीस हजार पांच सौ के ऊपर भी टिक जाता है तो फिर आपको एक तेज़ी का सामना करना पड़ेगा एक अच्छा तेजी आपको देखने में मिल सकता है फिर ये ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस कहाँ लेके आएगा तो वो 48 से पहला वो सैंतालीस आठ सौ जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग गिर गए थे सात लाख चौंतीस हज़ार फूट राइटर है कॉल राइटर लगभग डबल है यहाँ पंद्रह लाख तो ये हर्डल है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा प्रॉफिट बुक कर लो लेने के लिए और उसके बाद जो बड़ा हर्डल है वो अड़तालीस पर जहाँ पर तैंतीस लाख पैं अंठावन हज़ार फूट राइटर कॉल राइटर है और लगभग साढ़े तेरह लाख फुट राइटर है तो यहाँ पे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो अड़तालीस हजार फाइनल हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ में अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट पहला आएगा सैंतालीस तो दो सौ एक सौ और सैतालीस हजार ट्रेन लाइन का रजिस्ट्रेशन सपोर्ट की वजह से सैंतालीस हजार पे देखिए तो चौदह लाख फुट राइटर है कॉल राइटर मात्र दो लाख है सैतालीस एक और सैतालीस दो जो कि ट्रेन लाइन का निचला भाग आ रहा है यहाँ पे लगभग तीन लाख और चार लाख फुट राइटर है कुल मिला के चार तीन सात लाख है और इधर देखा जाए तो सवा लाख और अस्सी हजार लगभग दो लाख दो लाख कॉल राइटर और लगभग लगभग सात लाख हमारा पुट राइटर है तो इधर हमारा सपोर्ट का, का काम करेगा ये एरिया क्लियर हो गया तो इस हिसाब से आप डिप और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं तो इसमें हमें अगर सेल करना है तो कहाँ करेंगे अगर ये गैप अप हो जाता है तो हमें क्या पता है कि गैप अप में अगर ये अड़तालीस हजार के आसपास खुलता है और सैतालीस नौ सौ के आसपास में खुलता है या सैंतालीस आठ सौ के आसपास में खुलता है ये तीनों एरिया भी हमारा हर्डल बन रहा है इसलिए यहाँ पर एक सेल ऑन राइज का नीति अपना सकते हैं स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं सेल करेंगे तो टारगेट सैंतालीस हज़ार सात सौ से सैंतालीस हज़ार पाँच सौ तक का टारगेट आपको बनेगा देखिए यहाँ से खुलेगा तो स्टैंड लाइन पर आएगा और ये पाँच सौ का ये फिर सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा ठीक है ये एरिया जो है ये वाला एरिया 600 वाला ये सपोर्ट का, का काम करना शुरू कर देगा तो सैतालीस पांच सौ छह सौ सपोर्ट बन जाएगा पुट राइटर ऊपर से सॉरी पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे तो अड़तालीस हजार के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो नीचे खुलने के जो लेवल है इसी तरह से पांच सौ सौ पॉइंट अगर ये नीचे खुल जाता है तो ये छियालीस आठ सौ पे खुल सकता है या सैंतालीस हज़ार पर खुल सकता है ये दोनों एरिया पे एक बार बाय चांस लिया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी ओवर शोल्ड है पी भी डाउन है बाय तरफ में देख सकते हैं सैंतालीस एक सौ से लेके कर चार सौ के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन पर आप सैंतालीस हज़ार के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा ये है बैंक निफ्टी का व्यू इसी तरह अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो चलिए जरा निफ्टी पे भी ध्यान देते हैं निफ्टी आ गया यहाँ बाईस हज़ार पचपन बाईस हज़ार अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है लेकिन अब उससे भी तगड़ा सपोर्ट हो गया इक्कीस हज़ार नौ सौ पच्चीस वाला या नौ सौ भी पकड़ ले इसके नीचे जाएगा तो ही खराब होगा चांस कम है नहीं जाना चाहिए चला गया तो दिक्कत वाली बात है और अगर तेज़ी इसको और ज़्यादा तेज़ी करना तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से आप ड्रॉ करें और ये तेज़ी आता है बाईस हजार दो सौ के ऊपर निकलने पर या बाईस हज़ार एक सौ पचास के ऊपर निकलने पर ये

तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप इसको देख सकते हैं ठीक है चलिए इसको मैं साइड कर दूँ हाँ तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इसको आप देखें कि इक्कीस हज़ार बाईस हज़ार एक सौ के ऊपर निकलेगा तो आपको टारगेट आपको बना के दे सकता है बाईस हज़ार एक सौ पचास और इसके ऊपर यानी लाइन तोड़ देगा तो बाईस हजार दो सौ से लेके दो सौ पचास ठीक है दो सौ पचास तक जा सकता है देखिए फिलहाल दो सौ पचास जाते जाते इसका काम फिनिश हो जाना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए गया तो 20-25 पॉइंट और पकड़ ले लेकिन संभावना कम है जैसा कि डर थोड़ा सा बना हुआ है तो आपको कॉल साइड फिर आपको ध्यान देना होगा साइड बाई में बाईस हजार एक सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन व्यू पर जाके प्रॉफिट देगा सेल हम इस बॉक्स के नीचे करेंगे जिसका भाव आता है इक्कीस हजार नौ सौ पचास देखिए इक्कीस आ रहा है आप सत्तर के नीचे भी कर दें लेकिन आप देख रहे हैं ये सपोर्ट एरिया कैसे बना हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्कीस के नीचे अगर सेल करते हैं ना तो एक टारगेट पहला इक्कीस जो कि ये एरिया आ रहा है नौ ये करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे नया सेल पोजिशन इक्कीस के नीचे निकलने पर बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा नया सेल पोजीशन इक्कीस नौ के नीचे निकलने पर बनाएंगे और अगर उसके नीचे बनाते हैं तब जो है टारगेट आपको बड़ा बनेगा इक्कीस हजार आठ सौ पचास से इक्कीस हजार आठ सौ हाँ इक्कीस हजार आठ सौ के नीचे नहीं जाना चाहिए ये एक तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देख लेंगे पुट ऑप्शन आपको इक्कीस हजार नौ सौ पचास के स्ट्राइक सॉरी इक्कीस हजार नौ सौ पचास के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा क्लियर हो गया ये है हमारा निफ्टी पे व्यू अब इसका भी अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं पहले तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये देख लेते हैं यहाँ पे जरा हम लोग ऑप्शन डेटा बोल रहा है कि भाई एट द मनी बाईस हजार पचास पर आप ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आठ लाख पुट राइटर कॉल राइटर लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह लाख है हल्का सा हर्डल है ठीक है इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो नेक्स्ट रजिस्टेंस आपको फिर मिलेगा एक बाईस हजार एक सौ पर जिसका पुट राइटर है पंद्रह लाख कॉल राइटर है अट्ठाईस लाख तो ज़्यादा है इसलिए ये एक पहला हडल सामना आपको करना पड़ सकता है इसलिए मैंने आपको बोला कि बाईस हजार एक सौ पचास के ऊपर निकलने के बाद आपको अच्छी तेजी फिर बन सकता है है ना ये बात मैंने शुरू में बताया आपको इसके ऊपर निकलेगा और जो बॉक्स एरिया है बॉक्स एरिया आपका जो निकल के आ रहा है ना बाइंग के लिए बड़ा हडल है देखिए डेटा से आपका चार्ट मैच हो जाता है इसीलिए चार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कितना ऊपर जा सकता है तो भाई बाईस हजार दो सौ के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तैतीस साढ़े तैतीस लाख कॉल राइटर बैठा है और इसके सामने साढ़े दस लाख सवा दस लाख हमारा पूट है, तो ये बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना कर गया इनकेस तो 250 तक बहुत हो गया लास्ट मेरा जो लेवल है वो 250 तक का कि इसके किसके आसपास हो सकता है एक बार क्लेम कर ले इसी तरह अगर नीचे की बात अगर हम लोग देखें कि नीचे कहाँ सपोर्ट ले रहा है तो 21800 के नीचे नहीं जाना चाहिए पहला बात तो ये यहाँ पे 23 लाख पुट राइटर है कॉल राइटर मात्र पौने दो लाख इसलिए इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए इक्कीस आठ सौ पचास के नीचे भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर दोनों को मिला के तो यहाँ पर लगभग तेईस छीस लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर कितनों कर लेते हैं तो तीन लाख के आसपास में आता है तो ज्यादा हमारा सपोर्ट एरिया है बाईस इक्कीस आठ सौ पचास से इक्कीस आठ सौ के बीच में यहाँ पर आते बाइंग हो सकता है लास्ट डे का जो सपोर्ट एरिया थे, था इक्कीस नौ के आसपास था नौ का लो लगाए थे तो यहाँ पे लगभग सारे तीन लाख रा, कॉल राइटर है और पुट राइटर देखते हैं तो लगभग बाईस पौने बाईस लाख के आसपास में है तो पहला सपोर्ट तो यही है इक्कीस नौ इसलिए इसके आसपास भी आता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है और सेलिंग मैंने इसके नीचे बोला क्योंकि अगर ये टूट गया तो ये सारे पुट राइटर फिर आपको फंस जाएंगे और ये मार्केट को नीचे लेके चला जाएगा अब बात करता हूँ गैप अप सिचुएशन में कि अगर ये गैप अप हो जाए मान लीजिए कि ऊपर के साइड में खुलता है तो अभी मैंने क्या बोला कि बाईस दो सौ पचास ये वो एरिया जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और बाइस दो सौ ये दो एरिया पर आपको सेलिंग प्रेशर सामना करना पड़ सकता है इसलिए अगर ये इस एरिया के आसपास आता है या गैप अप खुलता है तो जरूर सेल करें और नीचे के टारगेट में टारगेट सौ से फिर बाईस तक के टारगेट बनेगा पुट ऑप्शन की तरफ में ध्यान देंगे तो 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया और नीचे खुल गया गैप डाउन होने पर तो देखिए गैप डाउन होने पर क्या वाला इक्कीस हज़ार नौ सौ पहला सपोर्ट एरिया ये वाला लाइन है ना और उसके ये वाला लाइन सॉरी और उसके बाद दूसरा इक्कीस हज़ार आठ सौ पचास ये दो एरिया के आसपास अगर आता है तो ज़रूर बाइंग करना चाहिए जितना नीचे गैप से खुलेगा उतना जल्दी आप बाइंग कर सकते हैं टारगेट ऊपर में आपको इक्कीस हज़ार नौ सौ पचास से ले कर बाईस हज़ार एक सौ तक के टारगेट मिल सकता है कॉल ऑप्शन आप इक्कीस हज़ार नौ सौ पचास का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों सोमवार मंडे तेरह मई दो हजार चौबीस के लिए अगर पसंद आओ जरूर कमेंट करें फीडबैक करें और ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं अट्ठारह मई तक लास्ट डेट है इनरोलमेंट का बीस मई दो हजार चौबीस से पैच स्टार्ट है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद